धो रही हो तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम वुजू करके ही आना, अगर वुजू करके नहीं आओगे तो फिर तुम गुनाहगार होगे। लेकिन याद रखिएगा, बात गुनाह की नहीं हो रही, लेकिन जब हमने अदब के सर्कल को देखा, अदब के फेस को देखा, तो अदब ये कहता है अगर हो सके तो गुसल करके शरीक होना, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर वुजू करके शरीक हो जाना, फिर वुजू करके शरीक हो जाना। मैं माजी करीब की बात पेश करता हूं। जो अलमा हजरत हैं वो नाम सुनते होंगे, अब्दुल हई फरहंगी महली लखनवी, 1800 गालिबन 87 में या 86 में इनका विसाल हुआ है। आला हजरत का विसाल 1921 में हुआ है। इसका मतलब ये है, जब ये उम्र रसीदा थे तो इमाम अहले सुन्नत उस वक्त जवान थे। अब्दुल हई फरंगी महली लखनवी जो है, ये महफिल मिलाद में शरीक होते थे, महफिल मिलाद में शरीक होते थे। मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूं, महफिल मिलाद में शरीक होते। और अब्दुल हई फरंगी जो है, ये हुक्का पीने के बड़े शौकीन थे, हुक्का बड़े शौक से पीते थे। अब इन्होंने क्या किया, जरा गौर कीजिए। अब्दुल हई लखनवी जो है हुक्का पीते हैं, और हुक्का पीने के बाद महफिल मिलाद हो रही थी, आपने कुल्ली नहीं की, मुंह नहीं धोया, और महफिल मिलाद में आ गए। जब महफिल मिलाद में आए, आंख लग गई, आंख लगी, मेरे आका का दीदार नसीब हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, सुनिए, गौर रखिए, आज की महफिल कितनी पाकीज़ा महफिल है इस वाक्य से पता चलेगा। लेकिन बात यह है, जो अदब सीखते हैं और सिखलाते हैं वो इसकी कदर जानते हैं, जो बेकदरे हैं वो इसकी कदर नहीं जानते, जो बेकदरे हैं इसकी कदर नहीं जानते। ना मैं बात फर्ज की कर रहा हूं, ना मैं बात वाजिब की कर रहा हूं, ना मैं बात सुन्नत मुअक्कदा की कर रहा हूं, मैं सिर्फ अदब की बात कर रहा हूं। और अदब का दायरा बहुत वसी होता है, इसलिए जो बेअदब है वो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं, और जो बेअदब है तो कहते हैं कुफर शिर्क और बिदअत है, वो ये कहते हैं कि कुफर शिर्क और बिदअत है। तो बेअदब लोगों की बात हो रही है। अब्दुल हई फरंगी महली लखनवी, आंख लगी, मेरे आका का दीदार नसीब हो गया। जब मेरे आका का दीदार नसीब हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया ए अब्दुल हई, तुझे इस बात का एहसास नहीं है, ये महफिल मिलाद है, ये मेरी महफिल है, और तुम हुक्का इस महफिल में शरीक हो गए जबकि तुमने कुल्ली नहीं की। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल हई की सरदनिश फरमाते हैं।